जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूएस सेट की डेडलाइन जो है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। यूएस सेट की जो डेडलाइन थी वो पहले 12 सितंबर सॉरी जो है वो हमारे पास 12 अगस्त थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसको जो है वो हमारे पास आगे कर दिया गया, डेडलाइन एक्सटेंड हो गई है। यूएस सेट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ आप जिसने ऑफ़र किया है यू एस सेट, यानी किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो है यू एस सेट रिक्वायर होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे यू एस सेट जो है वो लास्ट टाइम 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और लास्ट टाइम भी ये टेस्ट हुआ, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी एच ई सी की तरफ से। इस दफ़ा जब ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया तो बहुत सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो है वो इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया है और इस टेस्ट को जो है ज़रूरी बनाया है एडमिशन लेने के लिए। इवन कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि जिन्होंने जो है वो हमारे पास इस टेस्ट को कंपलसरी करार दे दिया, कुछ ने ऑप्शनल रखा, कुछ ने कंपलसरी करार दे दिया। तो लिस्ट जो है वो हमारे पास आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले, आप ये कहें कि जब हमारे पास ये अनाउंस हुआ था टेस्ट तो उनके बारे में किया, तो उसमें हमारे पास ITU लाहौर है। ITU लाहौर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पास है लाहौर की, और इस यूनिवर्सिटी ने जो है वो सबसे पहले USAID जो है उसको जो है वो ज़रूरी करार दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मोहियुद्दीन यूनिवर्सिटी है नेरा शरीफ के अंदर, इसके अलावा जो है वो हमारे पास IST है, ये हमारे पास इंटरनेशनल जिसको आप कहें कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी है नेशनल लेवल की। इसके अलावा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है वो हमारे पास प्रोग्राम्स में USAID को लाजमी करार दे दिया गया, यानी इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो USAID जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो लाजमी हो गया। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो PU का फार्मेसी जो कॉलेज है, फार्मेसी के लिए जब आप जाते हैं डी फार्मेसी वगैरह के लिए, वहाँ पर इसको जो है वो उन्होंने ज़रूरी करार दे दिया है। इसके अलावा हमारे पास अख्तर सईद जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जो हमारे पास फार्मेसी है, फार्मेसी के जो भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो है इसे लाजमी करार दे दिया गया। इसके अलावा जो है वो हमारे पास शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ये हमारे पास शिफा कॉलेज जो है ये इंटरनेशनल शिफा कॉलेज के नाम से, तो ये यहाँ पर फार्मेसी के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए USAID को जो है वो उन्होंने कंपलसरी करार दिया। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हैं, अगर आप उन्हें वो दिए हैं तो वो आप USAID जो है वो उससे आप यानी उसके अलावा आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लिस्ट आपके सामने शेयर की, इन यूनिवर्सिटीज़ ने अब तक USAID का जो टेस्ट है उसको लाजमी करार दे दिया। और इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक एडमिशन्स ओपन नहीं किए, जिन यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो एडमिशन फ्यूचर में ओपन करने हैं, तो हो सकता है कि वो भी जो है वो हमारे पास, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी ओपन नहीं किए, तो हो सकता है कि वो भी इसको लाजमी करार दे दें। तो इस वजह से आप ज़रूर इस पर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीकाकार वही है जो पहले था, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। मज़ीद अगर कोई आपको इस बारे में क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा और पूछेगा, इंशाल्लाह आई विल बी देयर, आपके हर कमेंट का मैं आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अनदर वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे